हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने आतंक के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में सबको एकजुट होना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंक के समर्थक आका पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को घेरा है। रविवार को अमृतसर में चल रहे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पार से चल रहे आतंकवाद की पहचान करनी होगी और इससे मिलकर लड़ना जरूरी है। पीएम ने कहा कि सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि आतंकवाद को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। ग्रोइंग आर्क ऑफ टेररिस्ट वायलेंस एंडेजर्स अवर एंटायर रीजन एज सच सपोर्ट फॉर वॉइसेस फॉर पीस इन अफगानिस्तान अलोन इज नॉट इनफ। इट मस्ट बी बैक बाय रिजोल्यूट एक्शन नॉट जस्ट अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ टेररिज्म बट ऑल्सो अगेंस्ट दोज हु सपोर्ट शेल्टर ट्रेन एंड फाइनेंस देम। साइलेंस एंड इनएक्शन अगेंस्ट टेररिज्म इन अफगानिस्तान एंड अवर रीजन विल ओनली एम्बोल्डन टेररिस्ट एंड देयर मास्टर्स। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम को अफगानिस्तान का भी समर्थन मिला। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। गनी ने तंज कसते हुए कहा कि अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के लिए इस्लामाबाद ने $50 करोड़ देने का वादा किया है, लेकिन बेहतर होगा कि वो इस रकम का इस्तेमाल आतंकवाद को रोकने में करे। At the heart of the problem are the nature, scale and scope of the sixth wave of political violence and terrorism. As the frontline society and polity confronting the wave, we've paid and are paying a huge price and lost lives and denied opportunities. Last year, we suffered the highest number of civilian casualties in military-related deaths in the world. This is unacceptable. उधर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने की पीएम मोदी की मुहिम का रक्षा विशेषज्ञों ने भी समर्थन किया। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान जब तक अपनी जमीन से आतंकवाद को बंद नहीं करेगा तब तक बात संभव नहीं है। जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आतंकवाद को फंडिंग दे रहे हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनकी मदद करते हैं दूसरे देश में जाके आतंकवाद फैलाने में, उसको उसके खिलाफ मैं समझता हूँ समय आ गया है कि बहुत सख्त से सख्त कदम लें। साफ तौर पर हिंदुस्तान ने कहा कि टेररिज्म जो है और बातचीत है एक साथ नहीं चल सकती, और जब तक वो टेररिज्म को ख़त्म नहीं करते और अपनी सरजमीन पर हफीज सईद जैसे, सलालुद्दीन जैसे, मसूद अजहर जैसे, लखवी जैसे, दाऊद अब्राहम जैसे, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह बंद नहीं करते और ये दखल अंदाजी जो है पूरे रीजन में इसको बंद नहीं करते, तो किसी प्रकार की कोई बातचीत की संभावना नहीं हो सकती। पठानकोट और उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है। दोनों देशों के बीच बातचीत पटरी से उतर चुकी है। मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। खुद पीएम मोदी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाने में लगे हैं, जिसका असर अब दिखने लगा है। अफगानिस्तान जैसे देश भी अब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। अमृतसर से राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।